इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से भी अच्छी जैपनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग ले सकते हैं। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। और देखिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग से यूजुअली सभी झिझकते हैं, जिसके कुछ सही रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ टीचर, ऑनलाइन से समझ आएगा या नहीं आएगा, कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी, पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी, या क्वालिटी ऑफ स्टडी। वैसे क्वालिटी ऑफ स्टडी का तो ब्रांड से लेने देना होता है, ऑनलाइन से नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करके देखेंगे nihongomax.com से जापनीज लैंग्वेज को पढ़ने का और इंस्टीट्यूट जाके जापनीज लैंग्वेज को पढ़ने में क्या फ़र्क होता है। हम देखेंगे इन 7 कंपैरिजन्स को, जो कि हैं कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी या कहें तो फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ जापनीज कोर्सेज, वॉल्यूम ऑफ जापनीज कोर्सेज, फेस टू फेस डाउट्स, जॉब सपोर्ट, एंटरटेनमेंट। और देखिए, भरोसा रखिए, ये कंपैरिजन बिल्कुल अनबायस्ड, बिल्कुल निष्पक्ष होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं nihongomax.com का कोई झूठा प्रचार करूंगा। दोनों ही चीज़ों की अच्छाइयां और बुराइयां हम देखेंगे, ताकि आप इजीली फैसला कर पाएं। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूं फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फॉर जॉइनिंग एंड शोइंग योर लव टू nihongomax.com। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन एक इंस्टीट्यूट से पढ़ने का करें तो हमारे सामने सबसे पहली बात आती है कॉस्ट की। लेकिन देखिए, कॉस्ट का कंपैरिजन तभी अच्छा लगता है जब हम कह सकें कि वॉल्यूम और क्वालिटी या तो बराबर हो या फिर अच्छी हो। तो इनको हम कॉस्ट के बाद देखने वाले हैं। तो देखिए, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर हम मान लें कि आपने N3 पढ़ने के लिए 6 महीने का बैच ज्वाइन किया है किसी इंस्टीट्यूट में, तो आपको अराउंड 20,000 से 25,000 रुपये पे करना होगा, और वो भी सिर्फ एक लेवल के लिए, और जिसकी क्लास को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मिस हो गई हो। वहीं nihongomax.com पर 3,500 रुपये में एक्सेस आप ले सकते हैं, जहां आप N5 से लेकर N1 तक सारे लेवल्स को पढ़ सकते हैं, दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, साल में 365 दिन। साथ में बिजनेस जापनीज और काइवा भी पढ़ सकते हैं, जो कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट पढ़ाते ही नहीं है, या फिर वो पढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी लेंगे अलग से। और देखिए, जापनीज पढ़ने के बारे में अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सब भूल जाते हैं, वो है रिवीजन। इंस्टीट्यूट में बच्चे एक बार एक लेवल पढ़ के एक ही बार में JLPT क्लियर कर लें तो ऐसा कम ही होता है। रिवीजन करने के लिए फिर वो दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो वही सेम कॉस्ट देनी पड़ती है, जो कि हम क्लियरली समझ सकते हैं। nihongomax.com पे आप अपने बेड पर लेटे लेटे भी रिवीजन कर सकते हैं कितना मर्जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने N3 का बैच ज्वाइन किया है तो आपको टीचर बोले कि जाओ आज N4 में जाके कॉजिटिव फॉर्म्स वगैरह सीख लो, और जब मूड करे तो वापस आना, हम यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे, या जाओ आज N5 में पार्टिकल्स रिवाइज करो, या टे फॉर्म, प्लेन फॉर्म वगैरह रिवाइज कर लो, या बोर हो गए तो जाओ देखो कैसे जापनीज लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है जापनीज लैंग्वेज में, और जितना मर्जी रिवाइज कर लो, फिर वापस आ जाना, हम अपनी क्लास में यहीं से कंडक्ट करेंगे जहाँ से आपने छोड़ा था, और हम आपकी स्पीड के हिसाब से ही चलेंगे, स्पीड के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, चाहे आप 10 दिन में एक क्लास ले लो या फिर 1 दिन में 10 क्लासेस ले लो, आपकी मर्जी है। आप बेडरूम में पढ़ो, टेरेस पे पढ़ो, बाथरूम में जाके पढ़ो, तो ये सब इंस्टीट्यूट में तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन nihongomax.com पे सब कुछ पॉसिबल है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये सब बातें तभी अच्छी लगती हैं जब जापनीज लैंग्वेज कोर्स की वॉल्यूम और क्वालिटी इंस्टीट्यूट से या तो बराबर हो या फिर अच्छी हो। तो ये बात आपको सभी लेवल की क्लासेस में जाके स्टार्टिंग की फ्री क्लासेस लेके आप देख सकते हैं। देखिए, पहली बात, मैंने खुद ही सारी क्लासेस रिकॉर्ड करी और अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से सब कुछ समझाया है, अपने किसी टीचर से इसीलिए मैंने क्लासेस नहीं करवाई हैं, और इसलिए मैं कहूँगा कि nihongomax.com कई गुना ज़्यादा वो गाइडेंस देने में, जो हर पैटर्न समझाते हुए, उसका एग्जांपल समझाते हुए, उसकी ट्रांसलेशन समझाते हुए मैंने लगाया है अपना एक्सपीरियंस, जो कि किसी इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं होता, या फिर वो उतना टाइम ही नहीं लगाते समझाने में। तो इसलिए 5,000 से भी ज़्यादा तरीके, गाइडेंस आपको हर ट्रैक में अलग अलग तौर पर मिलेंगे, और इस तरह से आप इजीली जापनीज को समझ के उसमें परफेक्ट बन सकते हैं, अगर आप सीरीज में पढ़ते हुए जाते हैं nihongomax.com पे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक वर्ड लेते हैं, जैसे हास्से, हास्से का मतलब होता है, ये एडवांस लेवल का वर्ड है, इसका मतलब होता है आउटब्रेक या फिर जनरेशन या फिर अकरेंस या फिर कह सकते हैं पैदा होना। लेकिन कोई भी ये डिक्शनरी या कोई भी आपको ये डिटेल में नहीं बताएगा कि ये नेगेटिव चीज़ के लिए होता है। अगर किसी प्रॉब्लम या फिर किसी इशू के लिए हम बात करें, या एरर के लिए बात करें, किसी मिस्टेक के लिए बात करें, तो ये वर्ड ज़्यादातर आता है। तो इस तरह से ये जो डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन होती है, ये आपको डिफरेंशिएट करती है एक एडवांस लेवल या एक बेसिक लेवल, या फिर एक अच्छी जापनीज जानने वाले को, या फिर एक बहुत ही बेकार जापनीज जानने वाले को। इनमें क्या डिफरेंस होता है, किसको जॉब मिल सकती है, किसको जॉब नहीं मिलती है, किसको किसका इंटरव्यू एक बार में क्लियर हो जाता है, किसका इंटरव्यू एक बार में क्लियर नहीं होता है। चलिए, कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है फेस टू फेस डाउट्स।
और आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि इंस्टीट्यूट जाने में तो ये फ़ायदा है कि हम फेस टू फेस डाउट्स पूछ सकते हैं। तो देखिए, मेरा भी इंस्टीट्यूट में बहुत सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि 20 में से एक या दो ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डाउट्स पूछते हैं, और ज़्यादातर वो 10 में से सिर्फ एक या दो बार ही वो डाउट्स पूछते हैं। बाकी सब वो या तो पता नहीं क्यों पूछ नहीं पाते हैं, या फिर वो पूछने में झिझकते हैं, या फिर वो दूसरों से ही पूछना, आसपास में स्टूडेंट से ही पूछना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फेस टू फेस डाउट्स का ना इसके लिए इतनी बड़ी कॉस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से तो। और दूसरी बात कि फेस टू फेस डाउट्स के लिए हमने nihongomax.com के ऊपर वॉल क्रिएट की है जिसमें एक भी ऐसा डाउट नहीं है जिसका मैंने आंसर ना दिया हो आज तक। हालांकि ऐसा हो सकता है आगे जाके अगर डाउट्स बढ़ें तो मैं उतना रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी पूरी पूरी कोशिश है सभी के सभी डाउट्स को, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स के पढ़ते पढ़ते में क्या 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 डाउट्स आते हैं, किन किन चीज़ों में, पार्टिकल्स में, फॉर्म्स में क्या क्या डाउट्स आते हैं, उन सबको मैंने कोर्सेज में ही कवर किया हुआ है। तो आई थिंक ये पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर होता भी है, थोड़ा बहुत नहीं भी होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं जॉब सपोर्ट पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जॉब का मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था, चाहे वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हों, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नहीं है जो इंश्योर करे कि जॉब आपको हम दिलाएंगे। जॉब सपोर्ट के नाम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज चिपका देते हैं जो कि सभी को वैसे भी मालूम ही होता है कि जॉब यहाँ पर निकली है, उनको ये देनी है, या फिर यूजुअली स्टूडेंट्स नेट से ही जॉब ढूंढ के अपनी जॉब को खुद ही सर्च करते हैं। तो इसके लिए हमारे जो फंक्शनैलिटी है जॉब की, उसके अंदर अभी तो काफ़ी कम जॉब्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो जॉब रिक्रूटर्स हैं उनको हमारे पोर्टल पर एक्सेस मिलके वो लोग जॉब पोस्ट करेंगे, और आप उन जॉब्स को एक ही बार में सारी की सारी जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इस फंक्शनैलिटी को भी हमने स्टार्ट किया है। और एंड में जब एंटरटेनमेंट की बात आती है तो इसमें मैं कहूँगा कि हाँ, इसमें इंस्टीट्यूट का मुकाबला वेबसाइट नहीं कर सकती, क्योंकि आपका जो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, जैसे कि भाई हम जाते हैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फ्रेंड्स वगैरह, या फिर हम लोग आपस में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, या थोड़ा घूमना फिरना खाना पीना होता है, ये सब चीज़ें जो हैं एक वेबसाइट कवर नहीं कर सकती। आई एम डेफिनेटली मैं इस चीज़ पर अग्री करता हूँ। लेकिन बाकी जो जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कांजी गेम्स, GLPT क्विजेज, उनके ऑप्शन, उनके स्कोर, तो इन सब चीज़ों को, इन सब फंक्शनैलिटीज़ को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे ताकि आपका एंटरटेनमेंट और भी बना रहे, और वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड ना लगे। Nihongomax टीम का टारगेट है कि सब कुछ 100% हो, चाहे वो फ्रेंड्स फाइंडिंग हो, जॉब्स हो, या इवन ट्रैवलिंग टू जापान हो, वो एक जापानीज लैंग्वेज स्टूडेंट को 100% मिलना ही चाहिए। तो आज ही जाके देखिए nihongomax.com और अपने जापानीज लैंग्वेज करियर को फास्ट बनाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।